हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं और साथ के साथ ही क्या है कि विद्या के ऊपर भी क्या है कि आपका जो है फोकस है उसके ऊपर। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ दी जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं कि जनरल मैनेजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत या 14 प्रबंधन के सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। और ये जो टॉपिक है काफ़ी सारे सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के अंदर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी कोशिश सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको हेनरी फ्योल जो है उनका जन्म जो है फ्रांस के अंदर 1848 में हुआ, 1916 के अंदर उन्होंने फ्रांसिस भाषा के अंदर एक बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। इसका बाद में उन्होंने अनुवाद जो था इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया, तो वहाँ पर इसका जो टाइटल था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जो है उनका मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना, प्रबंध को कौशल बनाना, कार्य को एक अलग कैटेगरी के अंदर पहचान करना, प्रबंध के कार्य को उन्होंने 5 जो तत्व थे उसके अंदर क्लासिफाई किया था और जो प्रबंध के नियम है वो सब जगह पे एप्लीकेबल है और प्रबंध के गुणों के ऊपर उन्होंने खास फोकस रखा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया। अब हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं या औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको किस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया। तकनीकी कार्यकलाप, तकनीकी गतिविधियां, देखो इसके अंदर आ जाता है उत्पादन या निर्माण आ जाता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर देखो जिसके अंदर आ जाता है कि जिस तरह से हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। और उसी तरह ही वित्तीय कार्यकलापों के अंदर आ जाता है कि जो हम पूंजी की खोज करते हैं और पूंजी का सही ढंग से उचित उपयोग करते हैं। सुरक्षा के अंदर आ जाता है सिक्योरिटी एक्टिविटी, जिसके अंदर क्या होता है संपत्ति और व्यक्ति की सुरक्षा के संबंधी। और उसी तरह क्या है कि देखो जो लेखाकरण कार्यकलाप है जिसके अंदर लेखा और सांख्यिकी के रख रखाव से संबंधित होता है। प्रबंधकीय कार्यकलाप जो है मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, डायरेक्टिंग आ जाती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ जाता है, तो जिसके अंदर नियोजन, संगठन, आदेशन, तालमेल और नियंत्रण आदि शामिल होता है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो मैं आपको आगे बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड दी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो अब हम देखते हैं कि जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पे उनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट जो उनका प्रिंसिपल था डैट वाज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं कार्य का विभाजन या विशिष्टीकरण। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है वो पूरा कार्य खुद करता है तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर हम क्या करते हैं कि एक कार्य को अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है विभाजित कर देते हैं, तो जैसे हम ए को कहते हैं कि ये हिस्सा तूने करना है, बी को कहते हैं कि ये हिस्सा तूने करना है, तो जब हम उस हिस्से को बार बार करते हैं तो उसके अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। और जैसे एक टेलर है, दर्जी जो है, देखो एक कपड़ा अगर वो स्टिचिंग करता है तो पूरे दिन के अंदर वो एक सूट ही स्टिच कर पाता है, बट अगर क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई साइज कोई और ले, कटिंग कोई और करे, स्टिचिंग कोई और करे, डिज़ाइनिंग कोई और करे, फिनिशिंग कोई और करे, तो एक दिन के अंदर काफ़ी सारे सूट जो है बन सकते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है कि देखो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क से हमारा समय और प्रयास की भी बचत होती है। और फ्योल का ये भी मानना था कि जो हम काम को अलग अलग हिस्सों के अंदर विभाजित करते हैं, विशिष्टीकरण का सिद्धांत जो है सब प्रकार के तकनीकी और प्रबंधकीय कार्यों के अंदर जो है यूज़ होना चाहिए।
वैसे भी क्या होता है कि देखो जैसे स्कूल जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी क्या होता है कि हर एक टीचर के पास एक ही क्लास के क्या होता है कि जैसे मैं MBA को टीच कर रही हूँ तो मेरे पास उसका एक सब्जेक्ट होगा, MCOM का एक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम एक ही क्लास को देखो सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर टीच करे तो वहाँ पर मोनोटनी आ जाती है। जब हम कार्य को विभाजित कर देते हैं तो उससे समय और प्रयास के अंदर बचत होती है। और उसी तरह जो दूसरा सिद्धांत है अधिकार और उत्तरदायित्व के अंदर समानता, जिसका मतलब है पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये सिद्धांत जो है हमें बताता है कि जो अधिकार है और जो जिम्मेवारी है, जो उत्तरदायित्व है, देखो जब मुझे कोई काम सौंपा जाता है तो मैं उसके लिए अपने बॉस को जवाब दे कि वो मैंने काम किया है या नहीं किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि हम तुझे काम दे दिया है तो उसको हमें अधिकार भी देना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होता है अधिकार लेना चाहते हैं बट उत्तरदायित्व से बचते हैं। तो उत्तरदायित्व और अधिकार जो है दोनों एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। कि यहाँ पे क्या है कि देखो जितना हमने उसको काम दिया है, जितनी जिम्मेवारी है, उसके साथ हमने उसको अधिकार भी देना है ताकि वो अपने काम को सही तरीके से काम कर सके। अनुशासन, देखो अनुशासन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो अपने बॉस का कहना मानते हैं, जो उच्च अधिकारी है उसका सम्मान करते हैं, और उसी तरह जो नियम वहाँ पे होते हैं उसको वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो देखो डिसिप्लिन के बिना हम कोई भी चीज़ जो है अचीव नहीं कर सकते। तो जो बिजनेस है वो तभी ग्रो कर सकता है, तभी उसकी तरक्की संपन्न हो सकती है अगर उसके अंदर अनुशासन के अंदर जो है स्ट्रेस दिया जाए। और उसी तरह क्या है कि जो नेक्स्ट है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, हिंदी में हम कह देते हैं आदेश की एकात्मकता। ये सिद्धांत हमें बताता है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। देखो अगर क्या है कि जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो वहाँ पे ए व्यक्ति मेरा जो उच्च अधिकारी है वो भी मुझे ऑर्डर दे जाता है, बी भी ऑर्डर दे जाता है, सी भी ऑर्डर दे जाता है, तो अब वहाँ पे बंदा जो है कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इतने मल्टीपल जो लोग हैं उन्होंने काम आपको दे दिया तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि व्यक्ति को केवल एक ही जो उसका बॉस है, एक ही बॉस से उसको आदेश प्राप्त होना चाहिए, उसका एक ही बॉस होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा अधिकारियों के नीचे काम करता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। और उसी तरह नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो काम है उसके लिए एक ही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ तो वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग योजना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है क्लैरिटी होती है, क्योंकि अगर क्या है कि वहाँ पे अलग अलग प्लान्स हैं तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन रही नहीं होगा और काम सही तरीके से नहीं होगा। तो सामान्य उद्देश्य वाली गतिविधियों के लिए एक ही कार्य योजना होनी चाहिए, वो किसी एक ही प्रबंध या वरिष्ठ अधिकारी के नीचे होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जो हित होते हैं उसकी सामान्य हितों के प्रति गौणता होती है। इसका मतलब है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे व्यक्तिगत भी गोल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट के बीच में कोई टकराव हो रहा है तो हमने जो तरजीह देनी है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है। तो जो संगठन का हित है वो व्यक्तिगत और समूह के हितों से ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो प्रबंधक है उसका ये जिम्मेवारी बनती है कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के अंदर जो है तालमेल बैठा रखे। जब भी देखो ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो व्यक्तिगत चीज़ों के अंदर जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के हितों की पक्ष में अपने व्यक्तिगत हित जो है उसको सेक्रीफाइस कर देना है, उसको समर्पित कर देना है। और उसी तरह ही देखो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको उचित रेमुनरेशन मिलना चाहिए। क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि कर्मचारी
और जो नियोगिता जिसने रखा होता है दोनों को संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पे ये कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मुझे सही पारिश्रमिक नहीं मिलता तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो इसलिए क्या है कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उसको उचित जो है मेहनताना जो है मिलना चाहिए। उसके बाद है प्रभावी केंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय लेने की पावर है, जो शक्ति है, वो कुछ लोगों के हाथ में सीमित है, जिसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। जब निर्णय लेने की शक्ति जो होती है सब लोगों मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होती है तो हम कहते हैं विकेंद्रीकरण है। तो अब कितना केंद्रीकरण होना चाहिए, कितना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कितना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि जो प्रबंधक है उनकी क्वालिटी क्या है, जो उनके नीचे काम करते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है। देखो अगर छोटे पैमाने पर बिजनेस है तो वहाँ पे केंद्रीकरण जो होता है पॉसिबल है, परंतु जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो केंद्रीकरण का निर्णय है संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावना तथा काम की जो प्रकृति है उसके बाद ही डिसाइड किया जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है डैट इज़ दी स्केलर चैन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सोपान सदृश्य श्रृंखला। इसका मतलब होता है कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि कर्मवार तरीके से काम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो जैसे मान लो ए जो है उच्च अधिकारी है, उसके नीचे बी काम करता है, बी के नीचे सी काम करता है, सी के नीचे डी काम करता है, डी के नीचे ई काम करता है। तो यहाँ पे अगर ए ने ई तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो बी को सी को, बी को पहुंचाया जाएगा, बी आगे सी को, सी आगे डी को, डी आगे ई को। इसी तरह ए ने अगर ए तक पहुंचाना है तो ई जो है डी को, डी सी को। इस तरह से एक श्रृंखला वाइज जो है कर्मवार जो है इसका अर्थ होता है कि वरिष्ठ जो पदाधिकारी है जो संपर्क श्रृंखला में आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर है और जो निम्नतम है उसके अंदर कर्मवार जो है कम्युनिकेशन होता है। और इसके लिए क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो आदेश दिया जाता है उसकी एकता बनी रहे और जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बनी रहे तो कर्मवार जो है उसकी व्यवस्था होनी जरूरी है, जिसको हम स्केलर चेन भी कह सकते हैं, जिसको हम स्पान श्रृंखला भी कह सकते हैं। परंतु आवश्यकता पड़ने पर क्या है कि इसका उल्लंघन भी हम कर सकते हैं, गैंग प्लैंक भी हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ए जो है उच्च अधिकारी है, ठीक है, तो अब देखो अगर ई जो है डी को, डी सी को, सी बी को, अगर ए ने कोई बात कहनी है तो इस तरह से आएगी, ए बी के पास इस तरह से, ठीक है। तो ये आपस में इधर से जैसे ऐसे है ए एल, देखो यहाँ पे जैसे ओ एन को, एन एम को, एम एल को, ये को, तो यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे जैसे ई ने जो है ओ को कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर वो इस तरह से चलेगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो बीच में गैंग प्लैंक हो सकता है कि जब हम सेम लेवल पे जो है आपस में जैसे ई जो है ओ से कम्युनिकेशन कर सकता है, तो इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। और इसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे तो व्यवस्था आगे जो है ऑर्डर कि यहाँ पे जो बिजनेस है उसके अंदर क्या है कि हर चीज जो है एक सही तरीके से होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे कि जैसे प्रत्येक वस्तु के लिए एक सही स्थान होता है तो वो उसी स्थान पे होनी चाहिए, एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत स्थान होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पे होना चाहिए, कि जैसे सही व्यक्ति को सही कार्य मिले प्रत्येक वस्तु जो है अपने उचित स्थान पे होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, कि हमने काम को जो है लड़ीवार तरीके से करना है। और उसी तरह नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है समता का, इक्विटी का। इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके साथ हमने
जो है अच्छे तरीके से पेश करना है उनके साथ। हमने ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों के साथ हमने जो है पक्षपात नहीं करना, भाई भतीजावाद नहीं करना, सबको हमने एक समान जो है ट्रीट करना है। कि वहाँ पे ये संधान जो है न्याय और दयालुता के ऊपर जो है कि संगठन के अंदर सभी कर्मचारियों के साथ न्याय संगत निष्पक्ष तथा समानता का व्यवहार होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। और उसी तरह नेक्स्ट जो है उसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ये नहीं कि आज हमने उनको रखा और कल निकाल दिया। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो टेन्योर है उसके अंदर क्या है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और उसी तरह पहल पर देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जो मैनेजमेंट है वो इस ढंग से उनको जो है मोटिवेट करती है, इस तरह से आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करती है ताकि जब भी, तो वो हमेशा क्या होते हैं कि पहल प्रदर्शित करते हैं। कि बेसिकली जो प्रबंधक है उनको अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए, मानवीय व्यवहार को शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेजमेंट मिले और वो इनिशिएटिव लें। और उसी तरह लास्ट में हम कह सकते हैं सहयोग की भावना, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी संगठन के अंदर जो सब लोग काम करते हैं उनके अंदर यूनिटी है, वो मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो सकती है। उसके अंदर क्या है कि देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फ्योर ने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फुट डालो और शासन करो, ये नीति नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह जो लिखित कम्युनिकेशन है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जो फुट डालो और शासनकारों की जो नीति होती है वो ख़राब होती है। तो उसके अंदर क्या है कि हमें सबको जो है सहयोग के साथ जो है काम करना चाहिए।